एक बार की बात है, विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं और तभी लक्ष्मी माता वहाँ जाती है और अकारण क्रोध में उन्हें सरधर से अलग होने का श्राप देती हैं और रोने लगती हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं, प्रिय आपका श्राप भी सृष्टि के लिए वरदान ही साबित होगा। और तभी हयग्रीव नाम का असुर भगवती की घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त करता है और कहता है, मेरा अंत भी हयग्रीव के ही हाथों हो। फिर क्या, उसे लगता है वह अमर हो गया है। तब क्या, वह तीनों लोक में अपना आतंक मचाना प्रारंभ कर देता है और ब्रह्मदेव से वेदों को छीन लेता है। तब ब्रह्मदेव विष्णु जी के पास जाते हैं और नारायण योग निद्रा में होते हैं। ब्रह्मदेव उन्हें योग निद्रा से उठाते हैं पर वह नहीं उठते। तब ब्रह्मदेव एक तीर चलाते हैं जो विष्णुदेव के सर पे आके लगता है और फिर ब्रह्म उनके सर पे एक अश्व का सर लगाते हैं और कहते हैं, नारायण हमारी रक्षा कीजिए। और नारायण हयग्रीव से युद्ध कर उसका अंत कर देते हैं और ब्रह्मदेव को उनके वेद वापस करते हैं। हयग्रीव का अंत करने के कारण उन्हें एक नाम दिए मिलता है, हयग्रीव अवतार।